हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हेयर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पैथसला। इस वीडियो में हम जून 2021 मंथ के सभी इंपॉर्टेंट रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक वॉच करनी है एंड फॉर रिवीजन इसका PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको रिवाइज कर लेना है। आज का क्वेश्चन देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, नितिन राकेश और जेरी विन जी को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन झंग होंग जी बने हैं। ठीक है, झंग होंग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक रवि शास्त्री जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकारी बोर्ड के नए अध्यक्ष डॉक्टर पैतृक अमोद जी को बनाया गया है। हमने यहाँ पर बात की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना हुई है आपकी 7 अप्रैल 1948 में और इसका मुख्यालय है आपका जिनेवा में। और इसके महानिदेशक कौन है वर्तमान में, आप लोग मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। टेड्रोस एडहेनॉम जी। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई, मुख्यालय जिनेवा में है और वर्तमान में यहाँ के महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहेनॉम जी, विश्व स्वास्थ्य संगठन इन हिंदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? देखिए, पंजाब राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने COVID-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू की है? तो देखिए, असम राज्य की सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू की है, असम। ओके, बात हमने असम की है तो असम का देखिए कैपिटल है आपका दिसपुर। मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत विश्वा शर्मा जी हैं और असम के गवर्नर वर्तमान में जगदीश मुर्मू जी हैं। ओके, असम ने मुख्यमंत्री शिशु योजना शुरू की है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो वो हैं आपकी क्रिस्टीन वर्मुट जी। अब आप कहोगे मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखिए अमेरिका आपको पता है हमेशा चर्चे में रहती है ये कंट्री। ओके, हमने यहाँ पे बात की है अमेरिका की, तो अमेरिका का देखिए जो कैपिटल है वो है आपका Washington DC। करेंसी यहाँ की है अमेरिकी डॉलर। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं आपको पता है जो बाइडेन जी, जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति वर्तमान में यहाँ पे हैं कमला हैरिस जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस यहाँ पे आपका है 2003। ओके, आप इसे करेक्ट कीजिए, एसेस 2003 to 2020 यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक सलमान रुशदी जी के द्वारा लिखी गई है। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेस 2003 to 2020 यह पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक सलमान रुशदी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? यह शुरू किया है राजस्थान राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? त्रिपुरा के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी आलोक कुमार जी को बनाया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में इन्हें बनाया गया है। अब इसकी बात करें हम त्रिपुरा की, तो देखिए त्रिपुरा का जो है आपका ये इंडिया का स्टेट है और इसका जो कैपिटल है वो है आपका अगरतला। ओके, इसका कैपिटल आपका अगरतला है। इसकी स्थापना आपकी हुई है 21 जनवरी 1972 में। अब त्रिपुरा की जो है स्थापना आपकी हुई है 27 जनवरी 1972 में। मुख्यमंत्री वर्तमान में जो है त्रिपुरा के वो हैं आपके विप्लव कुमार देव जी। और अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो है विप्लव कुमार देव जी ये BJP पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें त्रिपुरा के गवर्नर कौन है वर्तमान में, वो हैं आपके रमेश बैस जी। मुझे पता है आपको सभी स्टेट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, उसकी स्थापना कब हुई, उसका कैपिटल कहाँ है, उसकी मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ फॉर रिवीजन। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के
नए अध्यक्ष बने हैं आपकी अरुण कुमार मिश्रा जी। अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इंग्लिश में अगर हम बोलें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। ओके, देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की जो स्थापना हुई है वो हुई है आपकी 12 अक्टूबर 1993 में। ओके, और इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो आपका मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष हैं आपके, मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप कमेंट भी कर रहे होंगे, अरुण कुमार मिश्रा जी। ओके, और देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो बनाई गई, इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है मे ऑल बी हैप्पी। ओके, मे ऑल बी हैप्पी। वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? बहुत ही बेहतरीन दिन होता है ये। ओके, वैसे तो आपको डेली ही एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, बट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हम लोग जरूर ही कुछ ना कुछ करते हैं। ओके, तो देखिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो ये हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस साल भी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, जिसकी थीम रखी गई इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। इसकी थीम रखी गई है 2021 की इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपका जो डे सेलिब्रेट हुआ है वो किस दिन हुआ है और प्रेजेंट ईयर में उसकी थीम क्या रखी गई है, ये आपको याद करना है। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड नो टोबैको डे, क्वेश्चन ये आज भी हुआ है, 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है ईच ईयर, वर्ल्ड नो टोबैको डे। ओके, वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ देखिए यहाँ पे जो आपकी थीम क्या रखी गई 2021 में, मैं आपको बोलती हूँ थीम इंपॉर्टेंट है। थीम रखी गई है कमिट टू क्वाइट, कमिट टू क्वाइट 2021 की थीम वर्ल्ड नो टोबैको डे, जो कि 31 मई को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिचुअल CEO पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखा है? द स्पिरिचुअल CEO पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखा है? यह पुस्तक एस प्रकाश जी ने लिखा है। ओके, एस प्रकाश जी के द्वारा लिखी गई है द स्पिरिचुअल CEO पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? देखिए वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2021 रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है, और इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ही जारी किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश की राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? ये हरियाणा की राज्य सरकार ने शुरू किया है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। हरियाणा नाम सुना है आपने, किस देश में पड़ता है ये राज्य? यस, इंडिया में पड़ता है। वेल, तो आप मुझे बताइए कि हरियाणा जो आपका राज्य है, इस राज्य के यहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है, कैपिटल क्या है? कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिम्सटेक की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? बिम्सटेक का जो स्थापना दिवस है वो आपका कब मनाया गया? तो पहले आप देखो कि बिम्सटेक क्या होता है। बिम्सटेक का फुल फॉर्म आपका होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, मैं आपको बोली दे रही हूँ, इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये है बिम्सटेक का जो आपका फुल फॉर्म। ओके, देखिए जो बिम्सटेक की स्थापना आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कब हुई, जिसकी स्थापना जो है आपकी 6 जून जो है 1997 में हुई है, 6 जून को हुई है इसकी स्थापना। तो हम लोग 6 जून को जो है हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं बिम्सटेक का स्थापना दिवस। अगर मैं बात करूँ कि जो बिम्सटेक आपका है, इस बिम्सटेक में कितने आपके देश शामिल हैं और कौन कौन से देश शामिल हैं, देखिए इसमें जो है आपके टोटल 7 देश शामिल हैं, ठीक है, और वो 7 देश का नाम आपको मैं बताऊँ, बांग्लादेश, फर्स्ट आपका बांग्लादेश, देन भूटान, भारत, नेपाल, और देखिए आपका श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। टोटल आपके कितने हो गए, 7 हो गए ना? हाँ, टोटल आपके 7 हो गए। ये 7 जो कंट्रीज़ हैं आपकी, ये जो आपकी 7 कंट्रीज़ हैं, ये बिम्सटेक में शामिल है, ठीक है। अब हमने बात की स्थापना कब हुई, तो मैंने आपको बताया 6 जून 1997 में इसकी स्थापना हुई। तो अब आप मुझे बताइए इसका मुख्यालय, खैर आपको नहीं पता मैं बता रही हूँ, इसका मुख्यालय आपका ढाका में है, ठीक है। ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है।
ढाका कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में पड़ता है। और बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई 6 जून 1997 में हुई और इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? भारत के नए चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है? तो देखिए, भारत के जो हैं नए चुनाव आयुक्त जो बने हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये बनाया गया है अनूप चंद्र पांडे जी को। अनूप चंद्र पांडे जी को बनाया गया है, ओके, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया के जो है चीफ इलेक्शन कमीशन अनूप पांडे जी को बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? किस संगठन ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल उर्वरक लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इफको ने, ठीक है, इफको के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नैनो यूरिया तरल उर्वरक। अब देखिए, मैं बात करूँ इफको की, तो इफको का फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। आपने इफको का नाम ज़रूर सुना होगा, जो बच्चे विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं उन्होंने तो ऑफ़ कोर्स सुना होगा, बिकॉज़ आई थिंक ये यूज़ किया जाता है, यूरिया है तो यूज़ किया जाता है, और उसका जो आपका पैकेट होता है उस पैकेट के ऊपर ही इफको लिखा होता है, ठीक है। तो देखिए, इफको का फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन केरला राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। इस ईयर भी वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को सेलिब्रेट किया गया है। वेल, इसका थीम देखिए, 2021 में इसका थीम क्या है? 2021 में इसकी थीम रखी गई द ओशियन लाइफ एंड लेवलीहुड्स, द ओशियन लाइफ एंड लेवलीहुड्स, ठीक है। 8 जून को जो सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड ओशियन डे 2021 में, इसकी ये थीम रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विष्णु कुमार शर्मा जी को साउथ सुडेन, ठीक है, साउथ सुडेन जो देश है आपका साउथ सुडेन, यहाँ पर भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है विष्णु कुमार शर्मा जी को। ओके, देखिए, मैंने बात की है साउथ सुडेन आपकी जो कंट्री है ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, ठीक है, ये आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, और कैपिटल इसका आपका जूबा है। कैपिटल साउथ सुडेन का जो कैपिटल है आपका वो जूबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? हाल ही में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ये निर्मला सीतारमन जी ने की है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे बताइए। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये है आपका जीएसटी का फुल फॉर्म। अब आप मुझे बताइए कि जो जीएसटी है, अच्छा हिंदी में आपको मैं एक बार बोल देती हूँ, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वस्तु और सेवा कर, ठीक है। अब देखिए, ये जो जीएसटी है पूरे विश्व में सबसे पहली बार किस देश में ये लागू हुआ था? सबसे पहले फ्रांस में आपका ये लागू हुआ था जीएसटी, फ्रांस में। ये आपको याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इवन आप एग्जाम में क्वेश्चन आस्क भी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? देखिए, तेलंगाना की जो स्थापना आपकी हुई है वो आपकी 2 जून 2014 में हुई है। 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई। बात हम अगर करें तेलंगाना की, देखिए तेलंगाना का जो आपका कैपिटल है वो है आपका हैदराबाद, और वर्तमान में यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो हैं आपकी तमिलिसाई सुंदर राजन जी। ओके, कैपिटल हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी, गवर्नर तमिलिसाई सुंदर राजन जी, और इसकी स्थापना तेलंगाना की हुई है 2 जून 2014 में, ठीक है। इसीलिए हम लोग 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख डिप्टी चीफ कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख वो बने हैं रवनीत सिंह जी। अब हमने बात की है इंडियन नेवी की, तो देखिए इंडियन नेवी का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और आपको पता है कि आपका जो नौसेना दिवस ये इम्पोर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और जो नौसेना अध्यक्ष हैं, वो हैं आपके एडमिरल करमवीर सिंह जी।
एडमिरल करमवीर सिंह जी, आई थिंक ये क्वेश्चन पहले आया है, मैंने आपको ये बताया, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह जी। नेक्स्ट हमारा, किस देश ने तीन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है? किस देश ने थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया है? देखिए, थ्री चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने वाला आपका देश है चाइना। चाइना ने किया है। ओके, वेल, चाइना जो है आपको पता है, कंट्री के बारे में जानते हैं आप, ये आपकी एशिया में पड़ती है, ठीक है, और इसका जो कैपिटल है वो आपका बीजिंग है। करेंसी जो है आपकी चाइना की, वो है आपकी रेन मिन भी, ठीक है, रेन मिन भी। और राष्ट्रपति जो है चाइना के वर्तमान में सी जिनपिंग जी हैं, सी जिनपिंग जी। ओके, अब आप मुझे बताइए कि जो चाइना और इंडिया है, इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है, लाइन जो आपकी बॉर्डर है, उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष, देखिए ये बने आपके टी वी नरेंद्रन जी को भारतीय उद्योग परिसंघ का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ये बने आपके विवेक राम चौधरी जी। अब यहाँ पे हमने बात कर ली है वायुसेना की। देखिए, वायुसेना की जो अगर मैं आपको बताऊँ स्थापना कब हुई वायुसेना, तो देखिए इसकी स्थापना आपकी हुई है 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना हुई। मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, वायुसेना दिवस हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, बिकॉज स्थापना कब हुई, 8 अक्टूबर 1932, तो इसकी जो है दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा 8 अक्टूबर को, राइट। वेल, ये आपको पता होना चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, विवेक राम चौधरी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021, इंटरनेशनल बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है, इस प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड द्यूप जी को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन किस देश में होगा? देखिए, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस 2021 का आयोजन चाइना में होगा, ठीक है, ऐसा ये डिसाइड किया गया है कि ये चीन में ही होगा। वेल, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ की सरकारी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यून टैब योजना को लागू किया है? कहाँ की सरकार ने, तो देखिए ये लद्दाख की सरकार ने जो है आपका यून टैब योजना को शुरू किया है, ठीक है, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ऑनलाइन बेटा सब ऑनलाइन पढ़ना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल आपका 7 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इस ईयर भी 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया है। इसकी थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है? तो ये है आपका राजस्थान। ओके, राजस्थान ने अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। राजस्थान नाम सुना है, हाँ, इंडिया में पड़ता है। राजस्थान का जो अपर राज्य है, इसका कैपिटल है जयपुर में। ओके, सीएम कौन है, अशोक गहलोत जी, वर्तमान में चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी। गवर्नर कौन है वर्तमान में, कलराज मिश्रा जी राजस्थान के वर्तमान में गवर्नर हैं, ठीक है। राजस्थान ने अनुप्रति कोचिंग योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए इसमें आपके बहुत से स्टेट्स हैं, कुछ स्टेट्स के मैंने आपको बताए बेसिक इन्फॉर्मेशन, बट कुछ स्टेट्स के मैंने नहीं बताए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको वहाँ पे जज करना है कि आपको आ रहा है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, आप अभी जाइए और उसको फिर ध्यान से पढ़िए, सभी स्टेट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन को आप पता कीजिए, याद कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया है? देखिए, उड़ान योजना पंजाब राज्य सरकार ने शुरू किया है। बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब का जो स्थापना आपका हुआ है 1 नवंबर 1966 में हुआ है। पंजाब का कैपिटल कहाँ है, चंडीगढ़ में है। वर्तमान में पंजाब के जो है आपके गवर्नर कौन है, बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी हैं, यस, चीफ मिनिस्टर कौन है वर्तमान में पंजाब के, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। गवर्नर बिजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी। स्थापना 1 नवंबर 1966 और कैपिटल है आपका किसका, पंजाब का, चंडीगढ़, ठीक है।
अच्छा आप मुझे बताइए तो पंजाब का जो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड 2021 WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। यहाँ पे हमने बात की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान में यहाँ के अध्यक्ष कौन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, लाइव चैट में नहीं कमेंट में जा करके, ओके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं फिर आपका देख लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी हरिकृष्ण द्विवेदी जी बने हैं। हरिकृष्ण द्विवेदी जी। बात हमने की है वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल का जो कैपिटल है वो है आपका कोलकाता में, ओके वेस्ट बंगाल का कैपिटल कोलकाता में। मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के वर्तमान में ममता बनर्जी जी हैं, ममता बनर्जी जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनवर जी, जगदीप धनवर जी जो हैं यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल के। वेल वेस्ट बंगाल के नए चीफ सेक्रेटरी हरिकृष्ण द्विवेदी जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो केरल आपका जो है शीर्ष पर रहा है, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष पर केरल रहा है, ठीक है। वेल तो ये थे आपके मई 2021 के करंट अफेयर्स, ओके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होप आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा। फॉर रिवीजन आप ऐप पर जाइए, PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी। यस मैं अभी शाम तक अपलोड कर दूंगी, ओके। जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस किए उन क्वेश्चंस के आंसर आपको लाइव चैट में नहीं बल्कि कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करना है, जिससे कि मैं वहाँ पर देख सकूँगी। ओके थैंक यू, ऑल द बेस्ट।